कि पानी, अस्पताल, स्कूल, सड़क, खाना पीना, ये कांग्रेस को भी चाहिए क्योंकि उस समय कांग्रेस, ये एनसी को भी चाहिए, ये पीडीपी को भी चाहिए, ये बीजेपी को भी चाहिए, ये आरएसएस को भी चाहिए, ये शिवसेना को भी चाहिए। और कश्मीर में सब पार्टीज के अलावा भी हुर्रियत है, उनको भी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते आरएसएस हमारे खिलाफ है या बीजेपी खिलाफ है तो उसको स्कूल नहीं मिलेगा, उसको पानी नहीं मिलेगा, उसको राशन नहीं मिलेगा, या हुर्रियत वाला उसको पानी नहीं मिलेगा, उसको स्कूल या उसका डॉक्टर का इलाज नहीं होगा। क्योंकि हमारे संविधान में, हमारे आईन में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप धर्म और जाति के नाम पर, इलाके के नाम पर, प्रांतता के नाम पर, एक दफा वो एमएलए बन गया, एमपी बन गया, फिर उसके बाद उसके दरवाजे पे, उसके घर, उसके ऑफिस, किसी भी धर्म का, किसी भी पार्टी का आदमी जा सकता है इंसाफ मांगने के लिए या अपना रोजगार मांगने के। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे साथी धर्म के नाम पर या जात के नाम पर, ये इलाके के नाम पर, हम एक इलाका है, एक जात, अब तो कहते हैं पूरा विश्व ही एक घर है, क्योंकि टेलीविजन ने, टेलीफोन ने, मोबाइल ने पूरे विश्व को एक एक घर बना दिया। कहीं कहीं आपके घर वाले से अगर काम पर गया है तो शाम को बात होगी, उस दिन हम तब तक 20 आदमियों को अमेरिका और कनाडा, लंदन बात कर सकते हो, देख सकते हैं। तो इसलिए आज वो जमाना नहीं है गाली गलौज करके वोट हासिल कर देंगे।